हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्कर एग्रीकल्चर टाइम्स। से अपन जैसे क्रॉप पढ़ते हैं तो वो तो ऐसे बारी हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सोल्व करने के लिए सीड डेट्स को अलग से निकाला है जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो मेजर क्रॉप हैं उनकी सीड डेट पता ही होनी चाहिए। जैसे मेज़ के लिए कंपोजिटिव मेज़ होता है, एक हाइब्रिड मेज़, तो 18 से 20 kg प्रति हेक्टर। और मेज़ रब्बी सीज़न में, जैसे रब्बी सीज़न तो ऑफ सीज़न हो गया, जो मेन सीज़न है ना मेज़ का वो खरीफ ही है। तो जैसे ऑफ सीज़न में हमेशा अपन सीड रेट ज़्यादा रखते हैं, तो सीड रेट ज़्यादा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। कंपोजिट मेज़ की 18 से 20 kg पर हेक्टर, इसी प्रकार हाइब्रिड मेज़ की हो जाएगी 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। और रब्बी सीज़न की बात करें तो नॉर्मल अपन सीड रेट पूछे तो 25 से 30 kg, इसमें हाइब्रिड की दे नहीं रखी और हाइब्रिड बोते भी नहीं है शायद, बोते होंगे तो शायद वही होगी, हाइब्रिड की किसी भी बुक में दे ही नहीं रखी। फोडर मेज़ अगर चारे के लिए अपन मेज़ का ग्रो करते हैं तो 40 से 45 kg पर हेक्टर। और ऐसे ही अगर बाजरे को फोडर के लिए तो उसकी भी सेम 40 से 45 kg पर हेक्टर। मेज़ की नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन के बारे में पूछे तो वैसे एक फॉर्मूलेशन निकलती है तो 65,000 से 70,000 लगभग प्लांट्स पर हेक्टर, और सीड रेट भी लगभग ही होती है मेज की हो जाएगी। अगर रबी सीजन में प्लांट पॉपुलेशन पूछे तो 85,000 से 90,000 तक प्लांट्स पर हेक्टर लगभग आते हैं। इसी प्रकार बाजरे के जैसे 2015 वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मल बाजरे की सीड रेट कितनी होती है, तो ऑप्शन में 4 भी दे दिया, 5 भी दे दिया। तो हमेशा 4 से 5 अपन पढ़ते हैं तो मैक्सिमम वाली सीड रेट लेनी है तो 5 kg हो जाएगा इसमें। वो गौतम ने महाराष्ट्र में जो एक ट्रांसप्लांटिंग बाजरा भी प्रोडक्शन किया था उसमें 2 kg हो जाएगा। और अगर नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन देखे तो 1,75,000 से लेकर 2,00,000 पर हेक्टर प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। इस बारले जो कि 100 kg प्रति हेक्टर, इसी प्रकार गेहूं की 100 kg प्रति हेक्टर। ये तो नॉर्मल हो गई सीड रेट। और जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले कुछ एग्जाम्स में, ये 125 kg पर हेक्टर लेट सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग तो लगभग होता नहीं है वीट में। लेट सोन और एक हो जाएगा जो रेड सोइल का नाम भी आ जाए ना, तो उसमें भी 125 kg लेंगे अपन। और एक डिबिंग जो हल के पीछे डाल के अपन करते हैं, एक एक बीज ऐसे ओढ़ते हैं, उसमें डिबिंग मेथड किसमें यूज किया जाता है वीट में, उसमें अपन 25 से 30 kg प्रति हेक्टर सीड रेट यूज लेते हैं। धन्यवाद।